ये जमातुल उलमा की तरफ से ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम आज किया जा रहा है, इस प्रोग्राम के मंच पे मौजूद उपस्थित इस प्रोग्राम के सदर हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब, उसी तरीके से मौलाना मोहम्मद नसीम मुफ्ती साहब, डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब, मिर्ज़ा कलीम बेग साहब, मुफ्ती हारून साहब, कदीर मौलाना साहब, मिस्टर प्रदीप सालुंके साहब, रमेश गायकवाड़ साहब, सलीम सिद्दीकी साहब, विजय साड़वे साहब, एडवोकेट थोमरे साहब, मुस्तफ़ा खान साहब, इब्राहिम पठान साहब, मौलाना मुजीब साहब और भी बहुत सारे हजरत जो यहाँ मौजूद हैं, और मेरे सामने बैठे औरंगाबाद के शांतिप्रिय अमन प्रिय नागरिक। कभी कभी ये जो हमारा देश है मल्टी एथनिक है, बहुत मुख्तलिफ धर्म समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ हो जाता है और इसकी वजह से कुछ टेंशन जैसा रहता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस औरंगाबाद के अंदर मई 2018 में भी हमारे काफ़ी शांतिप्रिय लोग थे, जिसकी वजह से एक एरिया में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो उसी एरिया तक लिमिट होके रही, आगे कहीं फैली नहीं। तो इसके लिए जैसा कि बहुत सारे वक्ता महोदयों ने बताया कि औरंगाबाद का नागरिक शांति प्रिय है, मैं इससे एकदम ये रखता हूँ, मतलब मैं इसको इत्तेफाक रखता हूँ इससे और इसका समर्थन करता हूँ। बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन। एक दूसरी बात, औरंगाबाद अपॉर्चुनिटीज का शहर है, मतलब यहाँ आपको जिस तरीके के मौका मिलते हैं काम करने के लिए, सीखने के लिए, ऐसे बहुत कम शहर इंडिया में होंगे जहाँ इतना बड़ा मौका किसी को मिलता होगा। इसलिए भी मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग कभी हुई तो हम उसे मिल बैठ करके सुलझाएंगे। कल दो दिन पहले नौखंडा कॉलेज में मैं वहां गया था, एक वहां छोटी सी इतनी गंदी लत है कदी साहब कि खुद पे हमला करवा दे, आप पूरा माहौल खराब करवा दे, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। हम मुल्क के चप्पे चप्पे में अरशद मजनू और जमीयत उलमा के एक सिपाही अदना सिपाही बनकर हम दलित क्रिश्चियन जैन बौद्ध ब्राह्मण सबको जाकर कर ये कह रहे कि ये मुल्क हमारा था। और जैसे इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा, मैंने जब ये गीत गाया वाजिद भाई तो मुझे किसी ने कमेंट किया मुफ्ती साहब अब ये बोलना छोड़ दो सारे जहां से अच्छा। मैंने कहा भाई क्यों, अच्छा था, बोलो हमारा मुल्क अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा। ये दो तीन तक के जहरीले सांपों से हमको डरने की जरूरत नहीं है। ये दो तीन तक के हैं, हिंदू मुसलमान दलित क्रिश्चियन जैन ब्राह्मण सबके पास में हम ये पैगाम पहुंचाए कि हर समाज में जो जो ऐसे जहरीले सांप होंगे उनको निकालने की हमको मेहनतें करनी पड़ेगी। जैसे किसी दुकान में मैंने कई बयान कर रहा था तो सामने एक मेडिकल था, उसमें लिखा था रमेश मेडिकल, तो मैंने कहा वहां पर प्रवणी है रमेश मेडिकल, तो मैंने कहा भाई सुनो सुनो, अगर रमेश भाई के मेडिकल में जहरीला नाक घुस गया तो सब क्या करेंगे? अरे सबकी तमन्ना क्या रहेंगी, कोई मुसलमान ही नहीं सोचेगा वो तो रमेश का मेडिकल है। नहीं, हर एक की तमन्ना रहेगी कि वो सांप निकल जाए, फिर कोई पुंगा नहीं बजाएगा, कोई चिंदिया नहीं समझा बजाएगा, कोई लाल मिर्चिया उठाएगा, कोई कंडोले मेरा कंडोले कुछ नहीं करेगा, मगर तमन्ना क्या होगी कि सांप निकल जाए। तो अभी फिलहाल सांप सत्ता में नहीं है और वो ज्यादा नहीं है क्योंकि वो पूरी ताकत के साथ है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि हम बाहर गए भी तो कोई हमारी फन को कुचलने वाला नहीं है। हम सब को मिलकर ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, और ये मुल्क अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। जब मेरे नबी ने इशारा किया था, जब मेरे नबी ने
कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं ही आती है। और इकबाल ने इसी को कहा था, क्या कहा था कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मेरे अरब को आई, नानक ने जिस जमीन में वहदत का गीत गाया, चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, और मीरे अरब को यानी हमारे नबी प्रेषित को प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा, जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो जब मेरे प्यारे वतन के बारे में मेरे प्यारे हमारे प्यारे नबी ने कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, पहचानना होगा और इस मुल्क को और इंसानियत को बचाना होगा, क्योंकि जिस धर्म के हम मानने वाले हैं, जिस कुरान के हम मानने वाले हैं, जिस नबी के हम मानने वाले हैं, जिस शरीयत के हम मानने वाले हैं, بسم الله الرحمن الرحيم।